आज झारखंड भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में पतरातू कटिया चौक से निर्मल महतो स्मारक तक स्थानीय नीति 1932 खतियान लागू करने एवं बाहरी भाषा के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राज्य सरकार से स्थानीय नीति लागू करने और बाहरी भाषा का विरोध किया। इस मशाल जुलूस में 25 गाँव के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। वहीं कुलदीप यादव ने कहा, बाहर राज्य के लोग जो यहाँ अपना बसेरा बनाए हुए हैं, यहाँ के स्थानीय को हक अधिकार को मार कर खा रहे हैं, उन्हें पता चले यहाँ के स्थानीय झारखंडी अब जाग गए हैं, इसलिए यहाँ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका भाषा का यहाँ कोई स्थान कभी नहीं दिया जाएगा। आप लोग बताएंगे इस जुलूस का उद्देश्य क्या है? इस जुलूस का उद्देश्य है कि झारखंड में बिना कहे पूछे, बिना मांगल के बाहरी भाषा के भोजपुरी, मगही और अंगिका के जो शामिल कर देवल गया है, इकर से झारखंडी छात्र छात्राओं के बहुत भारी नुकसान है। नौकरी चाकरी में हम इनके स्थान छीनल जा रहा है, हम इनके अधिकार छीनल जा रहा है। इसीलिए आज के जुलूस के और मशाल जुलूस के मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड में जो हम इनके खोरठा भाषा है, नागपुरी भाषा है, पंचपरगनिया है, उड़ाव है, कुरुख है, यही भाषा चलतो, बाकी बाहरी भाषा के हम इन पुरजोर रूप से सभी को विरोध कराइयो। और दूसरा बात हो कि झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करे पड़ते और नियोजन नीति लागू करे पड़ते, जेकर से ये होता है कि हम इनके हक अधिकार मिलते है। अगर ऐसा ना हो तो हम इन सड़क से लेकर के विधानसभा तक घेराव करे के तैयारी में यो। और आज हम इन शहीद निर्मल महतो स्मारक PTPS चौक से कटिया चौक तक हम इन जुलूस के शक्ल में मशाल जुलूस के रूप में हम इन मतलब कि पुरजोर सरकार के रिक्वेस्ट कर रही है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है कि भैया हम इन अब 22 साल से झारखंड युवा झारखंड हो गया, ऊर्जा से ओत प्रोत हो गया, अब झारखंडी पीछे ना हो गया, अब आर पार की लड़ाई हम इन सरकार से लड़े के लिए तैयार हो गए हो। और अब हम इन जब तक स्थानीय नीति खतियान आधारित और नियोजन नीति और बाहरी भाषा के जब तक न हटवल जितो, तब तक हम इन आंदोलन के कमजोर ना हो देवो, आगे हम इन लड़ते रहो। बैनरवा आगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।